नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे में नई लाइनों के लिए 1200 करोड़ रुपए अलाट हुए हैं। दोहरी लाइन के लिए 426 करोड़ रुपए और यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 107 करोड़ 66 लाख रुपए अलाट किए गए हैं। विस्तृत चर्चा करते हैं। नई लाइनों में ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली महोबा खजुराहो 541 किलोमीटर लंबाई की 700 करोड़ रुपये अलाट हुए हैं। रामगंज मंडी भोपाल को 262 करोड़ लंबाई की परियोजना को 500 करोड़ रुपए अलाट हुए। इंदौर जबलपुर नई लाइन को 1000 रुपये पिछली बार की तरह अलाट किए गए हैं। और दोहरी लाइन की बात करें तो जो है गुना रुठियाई 20 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ रुपए, भोपाल बिना तीसरी लाइन के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया। बुधनी बड़खेड़ा तीसरी लाइन के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया, इसका पुराना फंड ही 300 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। बिना कोटा दोहरीकरण के लिए 190 करोड़ रुपये, बड़खेड़ा हबीबगंज तीसरी लाइन कटनी सिंगरौली के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। इसके बाद में 10 करोड़ रुपए कटनी बिना तीसरी लाइन के लिए, कटनी ग्रेट सेपरेटर बाईपास के लिए इस बार कोई फंड जारी नहीं किया गया, 300 करोड़ रुपए पिछला ही पड़ा हुआ है। सतना रीवा दोहरीकरण के लिए 21 करोड़ रुपए और पंवारखेड़ा जुझारपुर फ्लाईओवर के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। रुटियाई बाईपास लाइन के लिए 6 करोड़ रुपये और गुना बाईपास लाइन के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। तो ये थी पश्चिम मध्य रेलवे की जो परियोजना है उनके लिए जो पैसा जारी हुआ है उसके बारे में जानकारी। इसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं।